Second person, that is Lewis Henry Morgan. Please write L.H. Morgan or Lewis Henry Morgan. See, he is equivalent of E.B. Taylor. जैसे ई बी टेलर को फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसी तरीके से लिविस हेनरी मोर्गन को फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. एंड ही वॉज ए लॉयर बाई प्रोफेशन. आई नीड टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, दैट्स वाई एम सिटिंग हियर. ही वॉज ए लॉयर बाई प्रोफेशन. सो थ्रू हिज वर्क ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द इरोक्वाइज ट्राइब एंड ही नोटिस्ड दैट बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग कल्चर्स, Iroquois are losing their cultures. Their culture is, traditional culture is disappearing at a faster rate. And he noted that there is a imminent danger to their culture. We need to document it. He has done ethnographic study of them. And it was initially, see, this ethnographic study in the field work tradition, you can put it, मतलब कंट्रीब्यूशन कैन बी गिवन. इवन दो लेटर रिवर्स केम एंड ही हैज इनिशिएटेड मेलानोस्की एंड दिस पर्सन्स लेट दैट फील्ड वर्क ट्रेडिशन, बट इनिशियल स्टेप्स जो है यू कैन ट्रेस इट टू एल एच मोर्गन बिकॉज ऑफ हिज वर्क, एथनोग्राफिक वर्क ऑफ इरोक्वाइज. ठीक है. एंड ही हैज पब्लिश्ड अ बुक एज वेल. ठीक है. एथनोग्राफिक स्टडी करने के बाद सिस्टम ऑफ कंसेंट, यूनिटी एंड अफिनिटी. सी, अमोंग ऑल द थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू इरोक्वाइज, one thing which intrigued him is the kinship terminology. He has done a elaborative study on this kinship terminology. Jaise humne dekha hai kinship mein, usko classificatory terms mein, descriptive terminology mein classify kiya hai after sending the questionnaire to other anthropologists, other workers. So us tarike se inhone contribute kiya hai. And another thing is, see, baad mein dekhte hain, Auguste Comte has given like threefold division. On the basis of it, he has come up with the three-stage division of this unilineal evolution. Evolution entire process ko three stages mein isne divide kar rakha hai. Three stages ka classification karne ke baad unka characteristics dekar roughly time period bhi associate kar rakha hai inhone. That is the greatest contribution of L.H. Morgan. ठीक है. सो प्लीज राइट एल एच मोर्गान के बारे में लिख लीजिए वन बाय वन. या ही वॉज रिगार्डेड, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी Father of American anthropology. Next, he was a lawyer by profession. Lawyer by profession. Whose interest in Iroquois tribe led him to do the first ethnographic study को अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, ही noticed that Iroquois culture is fast disappearing. Iroquois culture is fast disappearing and it needs to be documented. In his work, he considered ceremonial
रिलीजियस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इरिक्वाइज सोशल लाइफ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इरिक्वाइज सोशल लाइफ, He published a book System of Consanguinity and Affinity 1871 में पब्लिश हुआ है. Affinity In which he gave elaboration of evolution of kinship terminology, evolution of kinship terminology. इफ यू रिमेंबर टेल मी, किनशिप टर्मिनोलॉजी में किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है? सबसे फर्स्ट कौन सा कैटेगरी दिया था उन्होंने? अकॉर्डिंग टू मोर्गन एवोल्यूशन कैसे हुआ है? सबसे फर्स्ट मालयन, देन नॉर्थ अमेरिकन, देन डिस्क्रिप्टिव. इस तरीके से दिया था ना, जैसे मलयन टाइप इवॉल्व इन टू नॉर्थ अमेरिकन टाइप, हम सब पढ़ रखा है ये, विच इवॉल्व इन टू डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी. यहां पर क्या है कि ऑल दी कॉलेटरल्स मर्जेस विद द लिनियल्स, यहां पर ओनली फ्यू, एंड यहां पर सब अलग अलग, सबका अलग अलग नेम होता है. इस तरीके से इवॉल्व हुआ है. दिस इज द एवोल्यूशन स्कीम गिवन बाय मॉर्गन फॉर किनशिप टर्मिनोलॉजी. ठीक है, इन द बुक दिस वन. ठीक है, प्लीज राइट दिस, वहीं पर नीचे लिख लो. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम, दैट इज यू नो थ्री स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर. ठीक है, प्लीज राइट. अडॉप्टिंग अडॉप्टिंग मॉन्टेस्क्यूज कैटेगरीज ऑफ मॉन्टेस्क्यू क्यू यू आई ई यू मॉन्टेस्क्यूज कैटेगरीज कैटेगरीज ऑफ थ्री स्टेज कैटेगरीज दिया था इन्होंने. सबसे फर्स्ट सावेजरी सावेजरी बारबारिक बारबारिक देन सिविलाइज्ड सिविलाइज्ड कमा. मोर्गन सब डिवाइडेड एंड गेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड गेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच. इफ यू रिमेंबर कल्चर एंड सिविलाइजेशन जब पढ़ रहे थे, वहां पर वी हैव यूज्ड वन कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. डू यू रिमेंबर? नेचर ऑफ कल्चर में द स्टेजेस विच आर गिवन बाय एल एच मोर्गन. डू यू रिमेंबर दोस थ्री स्टेज क्लासिफिकेशन? ठीक है, सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था. ठीक है, द सेम वी आर गोइंग टू राइट इट. लाइक एंटायर एवोल्यूशन चीज को इसने क्या किया था, ही हैज डिवाइडेड दिस एंटायर लाइन इनटू मेनली थ्री स्टेजेस. एक है कि सावेजरी बारबारिक
एंड सिविलाइजेशन, इस तरीके से डिवाइड करके इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया है। वी हैव रिटन द सेम इन योर अर्लियर केस। यहाँ पर थ्री कॉलम वाला बना के एक एक का लिख लीजिए, सैवेजरी, बारबारिक एंड सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट। सैवेजरी में क्या है, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम। लैंग्वेज मतलब वहां पर कोई लैंग्वेज नहीं है, इवन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं है। लैंग्वेज कमा एग्रीकल्चर, मेनली ये जो होता था हंटिंग गैदरिंग था, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी। एंड यहां पर प्रोमिस्क्यूटी वॉज देयर। सी दिस इज अगेन गोइंग विथ द अजम्पशन, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैव प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी मतलब नो सेक्सुअल टबूज, नो प्रोहिबिशंस, एवरी वन इज अ पोटेंशियल मेट ऑफ एवरी वन एल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोमिस्क्यूटी। नेक्स्ट और क्या बताया था इनका, दे लिव्ड इन ग्रुप्स फॉर सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी। एंड यहां पर जो पर्सन जो है, ही इज वाइल्ड एंड क्रूयल मैन। क्रूयल मैन मतलब इंडिकेटिंग एनिमल एग्जिस्टेंस, एनिमल एग्जिस्टेंस। सोशल नॉर्म्स इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं था, बट एसोसिएशन वॉज देयर। ठीक है, यहां पर नो सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज फैमिली ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं था यहां पर। ठीक है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कि मेनली लिव्ड इन केव्स, मतलब नेचुरल ड्वेलिंग्स वगैरह, अंडर ट्रीज एटसेट्रा। सो नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सो दिस इज सैवेजरी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय मोर्गन। अब यहां से जब इधर ट्रांजिशन हुआ है, सी इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी डिनोट कर रखा है, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड्स जो है उसको यहां पर दे रखा है। देन बारबरिक स्टेज जो है मेनली मिसोलिथिक पीरियड्स एंड नियोलिथिक, नेक्स्ट लेटर नियोलिथिक, बट मेनली ब्रॉन्ज एज से सिविलाइजेशन का कैटेगराइजेशन कर रखा है। बारबरिक में देख लीजिए कैसे नेचर था। बारबरिक पीपल वर दे वर डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, सो फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब मीसोलिथिक टाइम पीरियड पे जो जो कल्चरल ट्रेड्स था वो सब यहां पर आएंगे। फिशिंग वॉज देयर। ठीक है, देन सेकेंड थिंग है कि उस टाइम तक फैमिली का एग्जिस्टेंस हो गया था। मीसोलिथिक पीरियड फॉल्स अंडर है सेपियंस। ठीक है, 40,000 ईयर्स अगो सेपियंस का एवोल्यूशन हो गया है। सेपियंस इज नोन फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहां पर फॉर्मल एसोसिएशन स्टार्टेड, इवन द कल्टिवेशन, प्रिमिटिव कल्टिवेशन जो है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ फायर, कंट्रोल ऑफ मैन सप्लाइंग इज फूड। ठीक है, एंड कलेक्टिविज्म वॉज देयर। कलेक्टिविज्म इसका मतलब है कि ग्रुप एसोसिएशन वॉज देयर, ग्रुप हंटिंग मतलब कोऑपरेशन इन ग्रुप्स वॉज हैपनिंग। नेक्स्ट अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन कैन बी सीन। ठीक है, अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन जैसे कि टोटेमिज्म, एनिमिज्म एटसेट्रा, ये सब स्टार्ट हुआ है। देन कम्युनिटी लिविंग स्टार्टेड, जिसके वजह से फैमिली डेवलप्ड, फैमिली सोसाइटी वगैरह जो है दे गॉट डेवलप्ड। ठीक है, फैमिली सोसाइटी इवॉल्व्ड, बट दे आर नॉट लिटरेट्स, देर इज नो स्क्रिप्ट। लैंग्वेज इज देयर बट स्क्रिप्ट इज नॉट देयर। सो दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर बारबारिक सोसाइटी। ठीक है, देन सिविलाइजेशन और सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं। सिविलाइज्ड सोसाइटी यू हैव वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड स्टेज है ये, विथ डेवलप्ड सिटीज,
स्क्रिप्ट, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह देर, मेटलर्जी, मेटलर्जी, ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, political and economic organization etc. these were existing here by the time of civilization and civic government was formed. Political matlab civic government was formed to control the people. Economic organization, very well developed trade surplus was there. These are the points of it. Then technology acche se develop hua hai, population ka growth jyada hua hai, population growth. सी जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होता है दैट मीन्स यू नीड मतलब यू हैव मोर पीपल टू कंट्रोल देम यू नीड स्पेशलिस्ट सो स्पेशलाइजेशन स्टार्टेड इंडस्ट्री डेवलप्ड ठीक है सो ऑल ऑफ देम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड मॉर्गन हैज एट्रीब्यूटेड द डेट्स जैसे ब्रॉन्ज एज हम डिस्कस करते हैं चालकोलिथिक पीरियड एंड ब्रॉन्ज एज हैज बीन एट्रीब्यूटेड हियर मीसोलिथिक नियोलिथिक्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड हियर एंड पेलियोलिथिक All three stages have been attributed to your savagery stage. ठीक है So इस तरीके से इन्होंने characteristics define करके time period भी classify करके दिया है इन्होंने Getting the point? Tell me, सब लोग बताइए सारे points clear हैं यहां तक इसमें कोई doubts है